नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आज सदर सीट से प्रत्याशी राहुल रिछारिया के समर्थन में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने जोरदार रोड शो कर कांग्रेस को भारी मतों से विजयी दिलाने की अपील की। रोड शो रानी महल से प्रारंभ होकर मानिक चौक, सराफा बाजार, गांधीनगर का टपरा, बिसाती बाजार, मालिनों का चौराहा, ओरछा गेट, कुरैश नगर का पोर्ट टेकरी से हेवेड मार्केट चौराहे पर इसका समापन हुआ। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस अपने हर वादे पर खरी उतरेगी और धरातल पर काम दिखाई देगा। अभी हाल ही में प्रियंका गांधी द्वारा जारी किया गया उन्नत विधान पर भी अक्षराक्ष पालन किया जाएगा। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर 10 दिनों के अंदर किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। 2500 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं, धान और 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना खरीद कर किसानों के जीवन स्तर को सुधारा जाएगा। अन्ना पशु से होने वाले नुकसान पर 3000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया जाएगा। मानिक चौक में चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा। जनसंपर्क के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुरक्षा घेरे में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्यपुर विधायक विजेंद्र व्यास डमडम महाराज, राजेंद्र सिंह यादव, राजेंद्र रेजा, सुधांशु त्रिपाठी, नरेश चंद्र बिलाटिया, एडवोकेट विवेक वाजपेयी, मनोज गुप्ता, इम्तियाज हुसैन, मुकेश अग्रवाल, अफजाल हुसैन, अखलाक मकरानी, इद्रेस खान, राजेंद्र शर्मा, राम नारायण शर्मा, पंकज नोटा, एडवोकेट दिशांत नायक, एडवोकेट अनुराग मिश्रा, संजीव नायक, राजीव जैन, भरत राय और मानी राम कुशवाहा ने जनसंपर्क कर कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। झांसी से आर के दुबे, जिला रिपोर्टर सिटी टीवी 24 की ओर से बट्टा गुरु के साथ की खास रिपोर्ट।